एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के सोसाइटी में भी, ज़माने में भी। एजुकेशन की हम जब बात करते हैं तो एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आज उसी से रिलेटेड हमने ये इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव सर, जो कि KYP में एक सॉफ्ट स्किल के टीचर हैं, लैंग्वेज स्किल के टीचर हैं, अभी वो पढ़ाते हैं एंड अभी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं जहाँ पे स्किल के रिगार्डिंग एजुकेशन देते हैं, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल पे काम करते हैं। सो आज उनके बारे में हम जानेंगे। सो मैं सबसे पहले वेलकम करूँगा सर का, वेलकम सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सर कि अपनी पूरी जीवनी बताइए। जीवनी पूरी क्या, आपने जो भी स्ट्रगल किया है, आपसे जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स ये लोगों के सामने आना चाहिए, बहुत मोटिवेटेड है, लोग मोटिवेट होंगे एंड सर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए इन्हीं से सारी बातें हम सुनते हैं। थैंक यू गुलसेठ जी, यू हैव गिवन अ रियली ग्रेट चांस फॉर मी हैविंग अ रियली ग्रेट टाइम विद यू एंड आई एम गोइंग टू टेल अबाउट माई जर्नी। बिफोर दैट लेट मी टेल यू माई इंट्रोडक्शन, वॉट the really thing that the comes in mind. I'm Gaurav Sagar, I'm a teacher, I teach English and soft skill also. मेरा जो जर्नी शुरू हुआ काफ़ी पहले शुरू हुआ था, जब मेरा एक सपना था कि मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ करूँ, तो मैंने शुरू किया। पढ़ाई मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा बचपन में, मैं ज़्यादा खेलना पसंद करता था और जिस वजह से मेरे पापा मुझे बहुत पीटा करते थे, अक्सर मैं पिटाई खाया करता था। मुझे लोग कहते थे कि शायद ये बच्चा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने शुरू किया रनिंग, दौड़ना शुरू किया। रनिंग करते करते मुझे लोगों ने बताया कि यार तुम्हारा हाइट अच्छा है, तुम ना डिफेंस में जाओ, तुम डिफेंस में अच्छा कर सकते हो। देन मैंने शुरू किया, पढ़ाई के बिना तो हो नहीं सकता है। फिर मैंने कहा कि चलो यार थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, ताकि डिफेंस में मैं आराम से जा सकूँ। देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड मुझे लगा कि क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ नया किया जाए। स्पोकन क्लास में ज्वाइन किया, वहाँ पर मुझे लगा कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं बोल पाऊँगा। काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि मुझे एक घटना याद है, जब मैं 7th-8th क्लास में था तो मेरा एक कज़न है, उसने मुझे कहा कि यू आर फुलिस, और मुझे फुलिस का कोई मीनिंग समझ में आया नहीं। फिर एक दिन मैं बैठा था और मैं ट्रांसलेशन बना रहा था, तो उसमें देखा फुलिस लिखा हुआ, उसका मतलब था मूर्ख। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हर्ट हुआ और मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे सीखना चाहिए। फिर मैंने वो जर्नी शुरू किया पढ़ने का, और फिर जब मैं इंग्लिश में अच्छा पकड़ बना लिया अपना, फिर मैंने ज्वाइन किया एक बहुत ही अच्छी संस्था है, मैंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ पे DMKBY एक प्रोग्राम चल रहा था, दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा था एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। वहाँ कुछ टाइम बाद मेरा जो कज़न है वो आता है इंटरव्यू के लिए और मुझे थोड़ा सा बोलने में आई एम नॉट फीलिंग गुड बिकॉज उसको रिजेक्ट कर दिया गया इंटरव्यू में, उसको नहीं रखा गया। फिर मुझे लगे आई एम एट द पॉइंट वेयर रियली आई वांटेड टू बी, तो मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं चाहता था कि मैं हूँ, तो इस तरह से मैंने शुरू किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा सर आपका जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, कैसे आपको लगता था आप कुछ भी नहीं है, आपके जिस कज़न ने आपको डीमोटिवेट किया, आपको एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया, फिर उस तरह से आपने अपने स्किल्स पर काम करके आप आगे बढ़े, काफ़ी इंस्पायरेशनल है, जो लोग देखेंगे इंस्पायर होंगे बिल्कुल। एंड एक चीज़ यहाँ आती है कि कभी किसी को, जैसे शाहरुख खान कहता है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, सो एज लाइक मुझे भी लगता है कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड जितना भी हो हमें मोटिवेट करना चाहिए, मतलब मोटिवेट करके आगे बढ़ने के लिए उन्हें पुश करना चाहिए। कोई नहीं जानता है कि 2 साल बाद कौन कब कहाँ रहेगा। डेफिनेटली अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर रहते हैं और कब वो नीचे आ जाते हैं कि पता नहीं चलता, बहुत एक भिखारी भी अमीर करोड़पति बन जाता है, सो फ्यूचर कोई नहीं जानता है। सो आई थिंक के लोग मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो आपसे बात हो रही थी पहले, आप बता रहे थे आपने एक कोचिंग भी स्टार्ट किया था इलेक्शन के टाइम में 2014 में, या जब आप बता रहे थे तो उस समय क्या आया था, क्या मतलब आपको ने पुश किया था कि आपको एक कोचिंग स्टार्ट करना चाहिए? मेरा एक फ्रेंड है साहिल खान और मैं पटना में उस समय तैयारी करने के लिए चला गया था। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे थे आप? मैं SSC का तैयारी कर रहा था। ओके, तैयारी के दौरान मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है फिनंशियली, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि चलो कोचिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, और आई विल इन्वेस्ट और थोड़ा सा तुम भी इन्वेस्ट कर देना। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हम दोनों ने इन्वेस्ट किया, बट टाइमिंग जो था बहुत ही गलत हमने चूज़ किया, वो था जून और जुलाई का टाइमिंग। किस सन की बात है? 2015 की बात है। 2015, तो जैसा आपने बताया सर कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है और आपने इन्वेस्ट भी किया था, तो टाइम बताइए, मतलब जो जून बता रहे हैं आप, कौन सा सन था और कितना इन्वेस्ट किया था आपने? 2015 की बात है, जून में मैंने स्टार्ट किया था कोचिंग का, फर्नीचर वगैरह रेडी करवाना, और जुलाई में शुरू हो गया था कोचिंग।
सेम टाइम क्या था, इलेक्शन भी था लेकिन हम लोग उतना प्रिपेयर नहीं हो पाए थे। हम लोगों ने ऐड किया, लगभग 1.5 लाख रुपए का ऐड कर दिया, पूरे बॉलीवुड में हम लोग का पूरा ऐड दिख रहा था। स्टार्ट हुआ तो काफ़ी बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे आए। फिर क्या हुआ कि उसके सेम वीक से बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण बच्चे का फुटफॉल कम हो गया और उस वजह से क्या हुआ कि बच्चे कम आने शुरू हो गए। सेकेंड क्या हुआ कि इलेक्शन जो शुरू हुआ था, हमारे जितने बैनर्स थे, जितने पोस्टर्स थे, सारे के सारे गवर्नमेंट ने उखड़वा दिया रोड से। कार्यकर्ता थे दूसरे पार्टियों के, इलेक्शन चल रहा था तो अपने होर्डिंग्स लगाने के लिए उन्हें कोचिंग्स की होर्डिंग्स हटा दी। सो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर कि आप एक तैयारी कर रहे थे, SSC की तैयारी कर रहे थे, सो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एजुकेशन को ही एज अ बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया। लाइक अगर कोई अगर 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में तो जाहिर सी बात है एज अ बिजनेस देखता है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं इसको एज ए बिजनेस कम देखता हूँ और मैं इसमें, मैंने पहले ही बताया कि मैंने बहुत सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। जी जी। तो मेरा एक मोटिव है, जब मैं मुझे लगा कि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्दी हो चुका हूँ फिनंशियली, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा। जहाँ मैं रहता हूँ एक छोटा सा जगह है, जी जी, वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश बोलना बहुत ही जरूरी, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो बच्चे। बताइए किस जगह की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ हाजीपुर की। अच्छा, हाजीपुर की, जी ठीक है। जहाँ मैं रहता हूँ एक छोटा सा शहर है, ओके, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है लेकिन छोटा बट प्यारा सा शहर है। बिल्कुल, यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, ठीक है, और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है जैसे आप बता रहे हैं कि एजुकेशन को आपने एज अ बिजनेस स्टार्ट किया, आप इसे बिजनेस की तरह देखते नहीं हैं, बट आपको ऐसा लगता है इसमें आप पैसे कमा सकते हैं। डेफिनेटली पैसा एक बेस है आपका जिसके ऊपर आप स्ट्रांगली खड़े हो सकते हैं जी, लेकिन इसको आप पूरे तरीके से प्रोफेशन की तरह नहीं कर सकते कि आप मनी माइंडिंग हो जाएं। ओके, यस, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करें तो एजुकेशन आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप पहले आपने एजुकेशन लिया, फिर जिस तरह से आपने बताया एजुकेशन लेके आगे बढ़े, प्रिपरेशन कर रहे थे SSC की, फिर उसके बाद आपको लगा आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, सो आपने सोचा एक पॉकेट मनी के लिए या फिर अर्निंग के लिए आपने एक इन्वेस्ट किया अपने एजुकेशन में को बिजनेस की तरह, जैसे लोग पढ़ते हैं उनको पढ़ाने के लिए। बट आपका मोटिव नहीं था बिजनेस। बेरोजगारी यहाँ पर आता है कि आपको रोजगार नहीं मिला, चाहे गवर्नमेंट के थ्रू हो या जो SSC का तो कर रहे थे तैयारी। सो ऐसा नहीं लगता जो डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनका हो ही जाता है, लेकिन आपको जब रोजगार नहीं मिला तो आपने ये शुरू किया था। बेरोजगारी को किस तरह से देखते हैं आप? तैयारी करना शुरू किया था जी, फिर दिखा क्या कि बहुत कम वैकेंसी जा रही हैं। इस टाइम में स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन तो उस टाइम में काफ़ी ठीक था, लेकिन क्या हुआ कि वैकेंसीज ना बंद हो गए। अच्छा, वैकेंसीज काफ़ी कम आ रहे थे। अब मैंने सोचा कि मेरा एक तो फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है उस तरह से फाइनेंशियली या फिनंशियली, ओके, तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो फिर क्या होगा, सारे बर्डन मेरे ऊपर, पढ़ने का खर्च, रहने का खर्च। फिर मैंने शुरू किया कि चलो कोचिंग शुरू करते हैं, एक सपोर्ट मिला, मैंने शुरू किया, लेकिन टाइम का गलत सिलेक्शन मेरे कोचिंग को एक डाउनफॉल की तरफ ले गया, जिस वजह से हम उसमें काफ़ी नुकसान। सो मतलब आपका कोचिंग जब डाउनफॉल हुआ उसका, तो फिर आपने दूसरी जगह पे जैसे पढ़ाते अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करके आप पढ़ा रहे हैं, सही है, एजुकेशन के साथ साथ आप अर्न भी कर रहे हैं, अभी तो आप परमानेंटली टीचिंग कर रहे हैं। जब आपने बताया जो बेरोजगारी का मुद्दा बताया, तो इसको किस अनुपात में देखते हैं, बिहार में ज़्यादा बेरोजगारी है या पूरे हिंदुस्तान में ही है? बेरोजगारी तो हर जगह है सर जी, लेकिन अगर इसको अपने हुनर से कम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सो हमें किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप पर या गवर्नमेंट पर? आई थिंक खुद पे डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको बहुत कुछ नहीं दे पाती है। सो अगर गवर्नमेंट मतलब वैकेंसीज ही नहीं दे रही है तो हम गवर्नमेंटली मतलब ऑफिसर्स में काम नहीं कर पाएंगे? और सारे कुछ गवर्नमेंट को तो नहीं हो सकते हैं, जैसे सारे आप चाहते हैं कि सारे गवर्नमेंट में ही चले जाएं, सारे लोग तो गवर्नमेंट नहीं जा सकते। जो लोग कर सकते हैं खुद से कुछ, जैसे मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ और मैंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो जी, खुद ही एक अपना गवर्नमेंट तैयार करें, अपना गवर्नमेंट तैयार करें। जी हाँ बिल्कुल, आप खुद अपने आप पे डिपेंड हो जाते हैं तो फिर, मैं एक अक्सर बच्चों को कहता हूँ वर्ल्ड स्टार्ट्स विथ यू, दुनिया आपसे शुरू होती है, आप अगर जगोगे तो सुबह होगी, आप सोओगे तो रात होगी, यानी सब कुछ शुरू होता है आपसे। बिल्कुल, तो अपने आप को अंडरस्टिमेट कभी नहीं करना चाहिए। तो आपने भी बताया कि एजुकेशन को आपने बिजनेस नहीं लेके चला और अभी भी आप जुड़े हुए हैं, आपका जो भी रिसोर्सेज है, अर्निंग का जो भी सोर्सेज है वो एजुकेशन से ही है, एज अ टीचर अभी काम कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट
इंस्टीट्यूशन में या कहीं भी, अगर कोई आपकी तरह कोई बच्चा शुरू करता है शुरू से, जैसे आपने शुरू किया था, और अगर बीच के छोड़ देते हैं, कोई कज़न उसको डीमोटिवेट नहीं करता, वो पढ़ते जाता है, पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मतलब उसे रोज़गार नहीं मिलता है, तो वो किस तरह से अपने अर्निंग को मैनेज कर सकता है और एजुकेशन को मैनेज कर सकता है? देखिए, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं होता है, और जैसे लोग बोलते हैं जी, तो मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप स्टडी कर रहे हो, साथ में कोई ना कोई स्किल आप सीखो। बिल्कुल, क्योंकि आपका कौन सा स्किल कब आपका हेल्प कर दे, बहुत सारे कुछ सीखने के होते हैं आपके सिलेबस के अलावा भी। तो बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस के ऊपर फोकस करते हैं, हो सकता है उनको कंप्यूटर सीख लेना चाहिए, हो सकता है उसको उनको लैंग्वेज स्किल सीख लेना चाहिए, हो सकता है उनको गिटार या कुछ भी एक्स्ट्रा। आई विल रिकमेंड द स्टूडेंट्स दैट अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्किल्स पे भी ज़रूर काम करें, जो कुछ भी हो सकता है। अगर स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट में भी काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सिलेबस को ख़त्म करके छोड़ के आप उसमें लगे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने जो भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलम में आप काम करते हो, स्पोर्ट में हो, राइटिंग में हो, एक्टिंग में हो, डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको सही लगता है उसमें आपको ट्राई करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, एक घंटे भी, आधे घंटे भी, या हफ्ते में भी एक बार आपको काम करना चाहिए। अगर कभी कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो आपके एक्स्ट्रा स्किल्स ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। सर, जैसा आपने बताया, मैं बहुत सही लगा, मुझे को एजुकेशन के प्रति तैयार होना चाहिए, सीखना चाहिए, और साथ में साथ अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर हम पढ़ा कर ही अर्न कर सकते हैं तो करना चाहिए, स्किल्स पे काम करना चाहिए, कोई भी कम्युनिकेशन स्किल हो या स्पोर्ट में हो, जो भी हो, जैसा मैंने बताया, तो करना चाहिए स्टूडेंट्स को काम। बिल्कुल, लेकिन हमारे बिहार बड़ा मुद्दा जो उठता है, बहुत बड़ा डर रहता है स्टूडेंट्स को, या फिर वो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसके वजह से, जो भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड अभी चल रहा है, ये नहीं कह रहा कोई लैंग्वेज को कम मापा जाए, लेकिन अगर हम कहीं भी जाते हैं, सोशल मीडियाज़ में है इंग्लिश में है सब कुछ, या किसी ऑफिसेज में वर्क कर रहे हैं सब कुछ इंग्लिश में है, और हम लोग इंग्लिश से थोड़ा जो फियर रहता है इंग्लिश सीखना, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद हूँ सामने। ओके, इंग्लिश का जो फियर था जी, जी, मुझे इतना डराया कि आज मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ ना मैं स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने में जो फियर होता है, क्या होता है कि आप पब्लिक से जुड़ नहीं पाते हैं, आप बात करने से हिचकते हैं जी। मुझे तो काफ़ी हिचक होती थी, आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। हमारे जीटेक एजुकेशन पे आपका पहला इंटरव्यू है, आपके लाइफ का। डेफिनेटली लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू, और अभी आपके सामने, ये हमारे लिए भी एक प्रोत्साहन वाली बात है कि हमारे चैनल के थ्रू आपका पहला इंटरव्यू आ रहा है, एंड आपके फ्यूचर की भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं कि आपको और भी आपका फ्यूचर ब्राइट हो। सो एक ये लास्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, आप इसके बारे में बताएं कि किस तरह से आपने तो नाव को किसी तरह खे के आगे पार कर लिया, अभी यू आर अ इंग्लिश टीचर, यस, एंड आप इंग्लिश स्किल्स पर बात कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो अभी नए बच्चे हैं वो कैसे इसको ख़त्म कर सकते? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कुछ बातें जो काफ़ी बेसिक होती हैं जी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे लिखने आता है लेकिन बोलने नहीं आता, बोलने नहीं आता। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि आपका जो होता है क्या, दो प्रोसेस चलता है, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा आपका प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग आपके दिमाग में होता है और प्रोडक्शन आपके जुबान से होता है। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अगर स्लो होगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। बिल्कुल, और आप डेली 5 लाइन किसी भी चीज़ के बारे में देख कर लिखना शुरू कर दोगे, और जिस दिन लगे कि आपका राइटिंग और आपका स्पीकिंग एक जैसा सिमिलर हो गया, तो आपका बोलने का हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके थॉट्स जान के, और थॉट्स जो हमारा सीरीज़ है शेयर योर थॉट्स, उसका ये 3rd एपिसोड था, एंड आपने बहुत अच्छा बोला। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑडियंस तो हमेशा वही देखती है जो उनको पसंद आता है, तो मैं कहूँगा कि आपको ये पसंद आया होगा, बिल्कुल आया। गुलशेठ जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उन सारे लोग तक पहुँच रहे हैं जो काफ़ी हिडन हैं और जो सोसाइटी में काफ़ी वर्क कर रहे हैं ताकि इम्प्रूव हो पाए। ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को बताएं कि कैसे गुलशेठ जी नए लोग से मिल रहे हैं, नए लोगों को सामने ला रहे हैं और कैसे मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को। एंड आई वुड लाइक टू से ऑडियंस टू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आप लोग, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि लोगों से मिलेंगे, उनके थॉट्स को आपने काफ़ी मेहनत किया है, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो आपकी मेहनत को ऑडियंस जरूर अप्रिसिएट करेंगे और आपके चैनल को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।